बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने पार्क स्टडीज के नेक्स्ट 100 एमसीक्यूज को हमने डिस्कस करने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी, उस सीरीज के अंदर हमने पार्क स्टडीज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस कर रहे थे। आज के इस 6 लेक्चर में हमने नेक्स्ट 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करने हैं। प्रीवियस हम 5 वीडियोस में हमने 500 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम 501 से लेके 600 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। 501 से लेके 600 तक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर पीपीएससी में, एफपीएससी में, एनटीएस, ओटीएस, पीटीएस, ये सब एग्जाम्स के अंदर एंड अदर डिपार्टमेंट्स जॉब्स के जो पेपर होते हैं, इन सब के अंदर ये क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। तो आज हम इनको अच्छे तरीके से आज हमको डिस्कस करते हैं। तो आइए चले हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाय हाउ मेनी मेंबर्स द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज इनलार्ज्ड अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस सर सैयद अहमद खान वर्किंग या पोस्टेड। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वार ऑफ आजादी के वक्त जो है कि सर सैयद अहमद खान की कहाँ पर पोस्टिंग थी या कहाँ पर काम कर रहे थे, बजनौर में वो काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश्ड आर ट्रांसलेशन सोसाइटी। उन्होंने एक ट्रांसलेशन सोसाइटी इस्टेब्लिश की। ट्रांसलेशन सोसाइटी को हम साइंटिफिक सोसाइटी भी कहते हैं। इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। इन्होंने कौन से शहर में इसकी बुनियाद रखी? गाजीपुर के अंदर। तो यही क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के डेट्स का भी पूछा जा सकता है, कौन से ईयर्स का पूछा जा सकता है, और कौन से शहर में और किस चीज़ की बुनियाद रखी, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1864 सम प्रोमिनेंट हिंदूज ऑफ बनारस लॉन्च द मूवमेंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ उर्दू रिटन नस्तालीक बाय हिंदी रिटन इन देवानागरी स्क्रिप्ट एज द कोर लैंग्वेज इन विच सिटी वॉज मूवमेंट स्टार्टेड। ये मूवमेंट कौन से सिटी में, कौन से शहर में स्टार्ट हुई थी? बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल बॉडी कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज अ होल। इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल नेशनल मुहम्मदन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुस्लिम लीडर लेफ्ट द पॉलिटिक्स आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। वो कौन सा मुस्लिम लीडर है जिन्होंने पॉलिटिक्स से छोड़ी थी, लीव की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल होने के बाद। बंगाल के पार्टीशंस कैंसिल होने के बाद जो 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई थी, फिर 1911 में इसकी पार्टीशन जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। तो कैंसिल होने के बाद वो कौन से लीडर थे, कौन से लीडर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ा था? वो नवाब सलीमुल्लाह खान है जिन्होंने ये पॉलिटिक्स को छोड़ा था आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस मिनिस्टर्स ऑन व्हाट डेट वॉज इट ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व किया जाता है 22 दिसंबर 1939 को ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इश्यू ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अल हिलाल केम आउट, ये कब केम आउट हुआ? 13 जुलाई को हुआ था और 1912 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एनुअल सेशन ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम इन 1911 इकबाल पोइट्स वाज रिसाइटेड पोएटिकली कॉल्ड शिकवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाबाग आयरन डिपॉजिट्स आर लार्जेस्ट इन पाकिस्तान विद एन एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ 309 मीटर टन्स, इसकी एस्टिमेटेड रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिल्लत एंड मिनेस ऑफ इंडियनिज्म इज रिटन बाय, ये बुक जो है वो किसने लिखी थी? चौधरी रहमत अली ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1917 खेरी ब्रदर्स सजेस्टेड अ प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन कॉन्फ्रेंस ऑफ द सोशलिस्ट इंटरनेशनल हेल्ड इन, ये कहाँ हेल्ड हुआ था, कहाँ मुनक्किद हुआ था? स्वीडन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना डिक्लेयर्ड अनइक्वेसली दैट इट्स इम्पॉसिबल टू वर्क अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया इन प्रेस इंटरव्यू टू गिवन टू, इन्होंने प्रेस इंटरव्यू जो दिया था वो किसको दिया था? मैनचेस्टर गार्डन को इन्होंने इंटरव्यू दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चौधरी रहमत अली द आर्किटेक्ट ऑफ द नेम ऑफ पाकिस्तान, जो चौधरी रहमत अली हैं इन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज किया था, पेश किया था। डाइड ऑन, इनकी वफात कब हुई है, 1951 के अंदर। 1951 में आपको याद होना चाहिए कि पहली मर्दमशुमारी जो है पाकिस्तान के अंदर 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर विच अमेंडमेंट आ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अनलिटरली वाज इश्यूड बाय, ये किसने इश्यूड किया था, याहिया खान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन, जो साइमन कमीशन है इंडिया के अंदर आया था, कब आया था, 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन 1932 एट द एंड ऑफ, ये जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे मैकडोनल्ड और रामसे मैकडोनल्ड, इन्होंने कम्युनल अवार्ड की अनाउंसमेंट की, कब अनाउंसमेंट की थी, 1932 में, और किसके आखिर में, सेकेंड राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस जो लंदन के अंदर हो रही थी, उन्होंने उसके एंड पे और आखिर में उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व दैट डायरेक्ट एक्शन डे ऑन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन ऑब्जर्व किया था, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश द इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इन द ईयर, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंडस रिवर सिस्टम जो है इस्टेब्लिश किया था, इसकी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया था, कौन से साल में किया था, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 पाकिस्तान हैज द राइट टू यूज एक्सक्लूसिव द वाटर ऑफ, कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत जो पाकिस्तान को ये क्या नाम है, पाकिस्तान को एक वो इजाजत दी गई कि वो इन रिवर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के मेन रिवर्स कौन से हैं यहाँ पे जिनको इस्तेमाल करने के लिए दी गई हैं, चेहलम, चिनाब एंड इंडस, ये तीन रिवर्स हैं जो पाकिस्तान को पानी के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं। अब इसका मैंने आपको एक कोड यहाँ पे लिख दिया है ब्रैकेट्स के अंदर रेड कलर में, इस कोड मैंने लिखा हुआ है ICJ। ICG का मतलब क्या है कि मैंने यही इन रिवर्स का एक कोड बनाया हुआ है, आई मीन इंडस, सी मीन चेनाब एंड जे मीन झेलम, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कोड नहीं भूलेगा और आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड 5 canals टू रिमूव सिक्योरिटी ऑफ वाटर, वो है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ हंटर पर हंटर, हंटर पर हंटर की जो बुक है इसके ऑथर कौन है, सर सैयद अहमद खान इनके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड वारदा स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मुस्लिम सीट्स वर सिक्योर्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, के कितनी जो मुस्लिम सीट्स हैं इन्होंने सिक्योर्ड की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1945 से लेकर 1946 तक इलेक्शन ऑफ प्रोविजनल असेंबली, इसमें उन्होंने 425 सीट्स को सिक्योर्ड किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर वर डिसमिस्ड ऑन द इश्यू ऑफ वन यूनिट, वो कौन से चीफ मिनिस्टर, कौन से सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्हें डिसमिस किया गया वन यूनिट के ऊपर, उन्हें डिसमिस किया गया था। ये सिंध के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने वन यूनिट की बेस पे उन्हें डिसमिस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान बनते हुए उस वक्त जो पाकिस्तान का पहला जो रेडियो स्टेशन जो उस वक्त मौजूद था वो कौन सा रेडियो स्टेशन था, जो रेडियो स्टेशन जो पहला जो रेडियो स्टेशन जो पाकिस्तान बनने वक्त कौन कहाँ पे था, पिशावर के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पोल वार्ड्स इन ईस्ट पाकिस्तान वाज सिक्योर्ड बाय अवामी लीग, कि कितने टोटल पोस्ट जो है इस पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग ने वोट्स को सिक्योर्ड किया था 1970 के इलेक्शंस के अंदर, उन्होंने 75 वोट्स को सिक्योर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ स्वात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, कि जो स्वात की जो स्टेट है जिस ये इलाका है ये पाकिस्तान के अंदर कब इंक्लूड हुआ था, 28 जुलाई 1969 को ये पाकिस्तान में इंक्लूड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नेगोशिएट विद कैबिनेट मिशन 1946 ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, वो है AK आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अबू आला मौदीदी वाज अवार्डेड डेथ पनिशमेंट बाय मिलिट्री कोर्ट ऑन कादियानी इश्यूज के ऊपर पनिशमेंट दी गई, कब दी गई थी, मई 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the local government system under the devolution of power plan
2001 इनागुरेटेड, कब इनागुरेटेड हुआ था, कब इफ्तिताह हुआ था, अगस्त 14 2001 के अंदर, 14 अगस्त 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फोर्थ कलमा, फोर्थ कलमा का नेम क्या है, कलमा है तौहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन काराकोरम हाईवे इज ऑल्सो कॉल्ड, काराकोरम हाईवे को और क्या नाम दिया जाता है, इसे N35 नेम भी दिया जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर सबकतगीन अ टर्किश स्लेव बिकम द मास्टर ऑफ गजनवी, वो कौन से साल में जो सबकतगीन है ये जो है गजनवी के बादशाह बने थे, 979 में। ये डायनेस्टी से क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप लाजमी, इसको हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इसको लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड बी फेडरल टू बी जॉइंट बाय प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स, द प्रिंसिपल वॉज सेटल्ड इन, ये कब सेटल हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये सेटल्ड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्शन शुड बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल अडल्ट फ्रेंचाइज, द डिमांड वॉज मेड इन, ये कब मेड हुई, कब बनी, ये हुए लखनऊ पैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन, आर्य समाज कब फाउंडेड हुआ, 1875 में ये फाउंडेड हुए थे आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडा, प्रोडा स्टैंड फॉर, प्रोडा का मतलब क्या है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, ये इसका प्रोडा का मतलब है, वॉज पास्ड इन, कब ये मंजूर हुआ, जनवरी 1949 के अंदर ये मंजूर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉम्ब ऑफ बाबर इज इन विच सिटी, जो टॉम्ब ऑफ बाबर है वो कौन सी सिटी में है, काबुल में है, अफगानिस्तान के शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ सोलर पावर पार्क सेट अप इन बहावलपुर टू रेज द नेशनल ग्रिड कैपेसिटी बाय 1000 मेगावाट। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि जो बहावलपुर के अंदर एक सोलर पावर जो पार्क है ये सेटअप अंदर किया गया है जिसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की, तो ये कौन सा पार्क का नेम क्या है जो बहावलपुर के अंदर ये सेटअप किया गया है, उसका नाम है कायद अजम सोलर पावर पार्क जो कि ये बहावलपुर में सेटअप किया गया है और इसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज़ द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह का रियल नेम क्या है, कुतुबुद्दीन अहमद, इनका रियल नेम है शाह वलीउल्लाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यू इंडिविजुअल सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, फ्यूअर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली एनीवन कैन बी क्रिएटेड विद क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट, मोहम्मद अली जिन्ना डिड ऑल थ्री, हु मेड दीज रिमार्क्स अबाउट कायदे आजम, ये इस कायदे आजम के बारे में ये रिमार्क्स किसने दिए थे, स्टैनली वॉल्पर्ट ने ये रिमार्क्स कायदे आजम के बारे में उन्हें दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 द लाहौर रेजोल्यूशन वॉज एमेंडेड एंड पाकिस्तान वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लीग्स ऑब्जेक्टिव, द अमेंडमेंट वॉज मेड इन द एनुअल सेशन 1941 ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वॉज हेल्ड एट, ये हेल्ड हुआ था मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोहतासिब वॉज इस्टेब्लिश बाय, जो मोहतासिब का जो इंस्टीट्यूशन है वो कब किसने इस्टेब्लिश किया था, प्रेसिडेंटल ऑर्डर 1933 के तहत ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 एट द नेम समिट इन डुरबान 1998, डुरबान के अंदर एक समिट हो रही थी, नेम समिट हो रही थी 1998 के दौरान, विच इशू वॉज डिस्कस कंसर्निंग पाकिस्तान, वो कौन सा इशू है जो पाकिस्तान से उससे रिलेटेड जो कोई जो इशू है वो पाकिस्तान से रिलेटेड कौन सा इशू है जो डिस्कस किया गया था, वो कश्मीर मसले के ऊपर डिस्कशन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 द इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म इन 1946, हु वॉज नॉमिनेटेड एज प्राइम मिनिस्टर, 1946 के तहत इंटरिम गवर्नमेंट जो आई थी उसने नॉमिनेटेड किया कौन को, किसने किसको नॉमिनेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, पंडित नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 किस्सा सोहनी माहिवाल वाज रिटन बाय, ये जो बुक है ये किसने लिखी थी, फजल शाह ने ये बुक लिखी थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर बाय द आर्म्ड फोर्सेस हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 45 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया रिकॉग्नाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, के इंडिया ने बांग्लादेश को कब रिकॉग्नाइज किया था, 16 दिसंबर 1971 को इंडिया ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। वो कौन से पाकिस्तान के गवर्नर जनरल है जिनका शॉर्टेस्ट टेन्योर है, शॉर्टेस्ट दौरानिया है इसके अंदर मिर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, व्हाट वाज द मेन डिफिकल्टी विच डिलेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान। वो कौन सी मेन डिफिकल्टी थी जिसने रुकावट पेश की पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। वो था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, के फेडरल एंड प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो ये जो रुकावट थी, वो रुकावट पेश आई किसमें अंदर, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पाकिस्तान वॉज लेड बिटवीन। जो पाकिस्तान की फर्स्ट रेलवे लाइन है वो किस कौन से शहर के दरमियान ये बिछाई गई थी, कराची से कोटरी के दरमियान ये रेलवे लाइन पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट ये बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, द बुक इंडियन मुसलमान, ये एक बुक है, किताब है इंडियन मुसलमान, पब्लिश इन ये पब्लिश हुई थी, शाये हुई थी 1871 के अंदर, वॉज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी, विलियम विल्सन हंटर ने ये बुक लिखी थी और ये शाया हुई थी 1871 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च टू रिजर्व द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर टू यूज द टाइटल ऑफ कायदे आजम वॉज, वो फर्स्ट पेपर जो यूज किया गया था कायदे आजम के टाइटल के लिए वो कहाँ था, कौन सा पेपर था, डॉन डेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन रिमेन्ड चेयरमैन वापडा, वो कौन सा पर्सन है जो कि वापडा के चेयरमैन भी रहे, चेयरमैन सिंध भी रहे, चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी रहे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे, वो है गुलाम इसहाक खान, ये सब के उनके मेंबर्स भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डाइड इन ऑफिस, वो कौन से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिनकी डेथ जो है ऑफिस में हुई थी आफ्टर 9 डेज टेकिंग ऑथ, उन्होंने 9 दिन के हलफ लेने के बाद ही उनकी जिनकी डेथ हो गई थी, वो पाकिस्तान की वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अपना हलफ उठाया एज अ चीफ जस्टिस और हलफ उठाने के 9 दिन बाद ही इनकी ऑफिस में डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायदे आजम, के कायदे आजम की फर्स्ट वाइफ कौन सी है, एमी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कायदे आजम फर्स्ट वाइफ डाइड इन, कायदे आजम की जो फर्स्ट वाइफ है उनकी डेथ कब हुई थी, 1893 के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि कायदे आजम ने 1882 में प्राइमरी में दाखिला लिया था और 1892 में उनकी जो है मैट्रिक का इम्तिहान उन्होंने पास किया और 1892 में उन्होंने पहली शादी की थी। वो पहली शादी करने के बाद 1893 में एक साल बाद उनकी जो फर्स्ट बीवी थी उनकी वो डेथ हो गई थी एमी बाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम फर्स्ट वाइफ डाइड इन, कब डाइड हुई, 1893 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, मदर टंग ऑफ कायदे आजम, कायदे आजम की मदर टंग लैंग्वेज कौन सी है, गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, व्हेन बलूचिस्तान स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का कब हिस्सा बनी थी, 14 अक्टूबर 1955 में बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ दीना वादिया, जो दीना वादिया है इनकी मदर का नेम क्या है, रतन बाई इनके दीना वादिया की मदर का नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, स्वात वैली इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ, जो स्वात वैली है कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है, ये हिंदुकश माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, हु स्पॉटेड पैन इस्लामिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट, सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैज महल इज लोकेटेड इन, जो फैज महल है ये कहाँ पे है, खैरपुर के अंदर है और जो नूर महल वो बहावलपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द रेनेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसे बादशाहों का बारिशों का शहर कहा जाता है, मरी को कहा जाता है, क्योंकि मरी में 24 आवर्स वहां पे हर साल बारिश होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध वाज कंक्वर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया 712 में, वो किसके दौर में किया था, बनो उमैया के दौर में उन्होंने सिंध को फतह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रूथ पफाउ आल्सो नॉन एज द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान डाइड ऑन, वो कब इनकी डेथ हुई, 11 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, द हाईएस्ट सिविल अवार्ड इज, ये हाईएस्ट सिविल अवार्ड क्या कौन सा है, पाकिस्तान जो निशाने हैदर, पाकिस्तान का निशाने हैदर, निशाने है पाकिस्तान, ये हाईएस्ट सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादरा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये तो आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72,
वट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज, जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम रेंज के अंदर है, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट यू वर्ल्ड जो पोलर एरियाज में कहाँ पे है वो सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, व्हेन हुमायूं केम टू सिंध, कि हुमायूं जब सिंध में आया 1541 से लेके 1542 के अंदर, 42 के अंदर, सिंध वाज अंडर द निजामाइन ऑफ, सिंध वो किस गवर्नर के नीचे था, वो उस टाइम सिंध के गवर्नर कौन से थे, मिर्जा शाह हसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया, इब्न बतूता ने इंडिया का विजिट कब किया, 1333 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, व्हेन डिड ब्रिटिश कंक्वर्ड सिंध, के अंग्रेजों ने सिंध को कब फतह किया, 1843 में उन्होंने सिंध को फतह किया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द मिलिट्री कंक्वर्ड ऑफ सिंध एंड कंक्वर्ड होल सिंध इन 1853, वो है सर चार्ल्स जेम्स नेबियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज नो डेजर्ट, पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जिसमें शहर कौन सा सूबा है जिसमें डेजर्ट नहीं है, सहरा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदियाज वार डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम, जो अहमदियाज हैं उनको नॉन मुस्लिम कब डिक्लेयर किया गया, 1974 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय विच किंग इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये चीज पूछी जा रही है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 के अंदर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में है, उस जंग के अंदर इब्राहिम लोदी ने किसको वाज डिफीट, इब्राहिम लोदी को किसने शिकस्त दी थी, वो थी बाबर ने इनको शिकस्त दी थी, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इन दोनों की लड़ाई हुई थी, किसकी लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी और उनकी बाबर की, इन दोनों की जंग हुई थी, इस जंग के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80, एप न्यूज एजेंसी बिलोंग्स टू, एप न्यूज एजेंसी जो है ये पाकिस्तान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, व्हेन डिड फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन सब कॉन्टिनेंट, कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहली मर्दमशुमारी कब हुई, 1881 के अंदर। यहाँ पे आप ब्राजील का पूछा जा रहा है, अगर आपसे पाकिस्तान का पूछा जाए तो आपने 1951 का आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लार्जेस्ट कनाल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के लार्जेस्ट कनाल कौन सी है, नारा कनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, हु वाज द फर्स्ट वाइसरी ऑफ इंडिया, इंडिया की फर्स्ट वाइसरी कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ये फर्स्ट वाइसरी ही है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, वर्किंग बाउंड्री, जो वर्किंग जो बाउंड्री है इज द बॉर्डर, इसका बॉर्डर है पाकिस्तान के दरमियान में है, और इंडिया का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो कश्मीर जो इंडिया के पास है, इन दोनों के दरमियान है, पाकिस्तान में और ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडिया, इन दोनों के दरमियान ये वर्किंग बाउंड्री का बॉर्डर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, विच सिटी इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स, वो कौन सा शहर है जिसे वादी फूलों की वादी भी कहा जाता है, पिशावर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन से हैं, FM खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, वो है वसीम सज्जाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, ये नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्रूट है वो समर के अंदर गर्मियों में कौन सा है, मैंगो है, और सर्दियों में गावा अमरूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, अल हिलाल वीकली वाज स्टार्टेड बाय, ये किसने स्टार्ट किया था, अब्दुल कलाम आजाद ने स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, इन विच ईयर पाकिस्तान वाज वर्ल्ड चैंपियन ऑफ क्रिकेट हॉकी स्क्वैश एंड स्नोकर का, 1994 में वर्ल्ड चैंपियन बना था पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, द वाइट स्ट्रिप इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट, पाकिस्तान के अंदर के फ्लैग के अंदर, पाकिस्तान के झंडे के अंदर जो सफेद रंग है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इम्यूनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो इसके अंदर द क्रिसेंट इन द पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर जो क्रिसेंट है वो प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस फ्लैग के अंदर जो स्टार है ये लाइट एंड नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है कौमी तराना है ये मुकम्मल तौर पे ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया, 1954 के अंदर, और ये पाकिस्तान का जो पहला स्टेशन है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पढ़ के हैं, जो पहला क्वेश्चन था जो रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के बने जो मौजूद था वहां पे इसको ऑफिशियली क्या किया गया, अनाउंस किया गया, मतलब ऑफिशियली पब्लिक के अंदर इसको चलाया गया 1954 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान सेट हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग विच लैंग्वेजेस, उर्दू।
नेक्स्ट क्वेश्चन 97, हु इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट, की बरसगीर के अंदर टू नेशन थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुस्लिम लीडर रिसीव द टाइटल ऑफ नाइटहुड और सर, वो कौन सा मुस्लिम लीडर हैं जिन्होंने नाइटहुड का या सर का खिताब इन्होंने 1888 में रिसीव किया था? वो सर सैयद अहमद खान ने। अब इनके नाम के साथ देखने सर लगा हुआ है, उन्होंने सर का लकब इन्होंने 1888 में रिसीव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द लॉयल मुहम्मदंस ऑफ इंडिया, ये जो एक बुक है ये किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खान ने ये लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान वॉज सेट अप अ पर्शियन मदरसा एट मुरादाबाद, कौन से साल में सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में एक मदरसा कायम किया था 1859 के अंदर? तो स्टूडेंट्स, ये आज तक के हमारे नेक्स्ट 100 MCQs थे। इन बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।